Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know, इस चैनल पे हम लोग क्लास 12th HSC कॉमर्स का मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 करते हैं, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक्चुअली में ये जो प्रैक्टिस सेट है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन फाइनली आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 12. ओके, तो चलो स्टार्ट करें हम लोग. लेकिन उससे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, एंड दैट इज चेंज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट. एक्चुअली मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको हम लोग चेंज ऑफ स्केल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन. ओके, चेंज ऑफ ओरिजिन हमने किया है. देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ, मैंने उल्टा बोल दिया था बस, यानी कि मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन के जगह पे चेंज ऑफ स्केल यूज कर लिया था और चेंज ऑफ स्केल के जगह पे चेंज ऑफ ओरिजिन यूज कर लिया था. अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में बताती हूँ आपको. देखो जैसे अगर मान लो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया था, यानी कि मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटी चीज में से गलती हो गई थी. देखो अगर मान लो हमारे पास एक्स और वाई दो सीरीज है, एक्स और वाई दो सीरीज है, बरोबर. और अगर हम लोग क्या करते हैं ये जो दो सीरीज है इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, ठीक है? अगर ये सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर से क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं या माइनस करेंगे. जैसे इधर याद है आप लोग को, हमने देखो ये जो सारे नंबर्स है उसको माइनस किया था, ठीक है? ये सारे नंबर्स को माइनस किया था किससे, 120 से. और ये जो सारे नंबर्स है उसको माइनस किया था हमने 14 से. मतलब अगर आप एक सीरीज में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो कि प्लस कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन किया हमने. एक्चुअली में मैंने आपको चेंज ऑफ स्केल बता दिया था. तो यानी कि अगर एक सीरीज है एक्स एंड वाई, उसमें अगर हम लोग एक फिक्स नंबर से प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन. क्या बोलते हैं, हमने क्या किया, चेंज ऑफ ओरिजिन किया. और अगर हमारी जो सीरीज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, दोनों में से कोई एक करने का. ओके, तो यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या किया, चेंज ऑफ स्केल किया है. इसको चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं. तो हमारे जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो चेंज ऑफ ओरिजिन को इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे देखो, जब मैं आपको ये लिख के दे रही थी तो यहाँ पे बी वी यू की वैल्यू जो थी वही हमारे बी वाई एक्स की भी वैल्यू थी, बरोबर. तो यहाँ पे आपको बस ये लिखना था कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, माइनस किया मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन किया है. ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ. तो प्लीज ये ध्यान रखना. इधर भी हमने और कौन सा सम था वो जिसको हमने चेंज ऑफ ओरिजिन से किया था, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, फोर्थ वाला. और सेवेंथ वाला की कौन सा तो था, एक और एक सम था जिसको हमने चेंज ऑफ ओरिजिन से किया है. ये देखो इधर भी गलती हुई है, चेंज ऑफ स्केल नहीं लिखने का, क्या लिखने का, चेंज ऑफ ओरिजिन. रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, क्लियर हुआ. ओके डन, आई थिंक ये वाला. और आप लोग को पता होगा कि फिफ्थ वाला हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन से कर रहे थे, बट इसके वैल्यूज तो बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे, तो मैंने बोला था इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक नए मेथड से. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले, ठीक है? तो बस इतना ही बोलना था. और कौन सा था चेंज ऑफ ओरिजिन वाला, चेंज ऑफ ओरिजिन जो कि मैं चेंज ऑफ स्केल लिख दी थी गलती से, और ये वाला. हाँ तो ये देखो इधर मैंने ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन वाला सम था सेवेंथ वाला, ठीक है? तो जो बी वी यू की वैल्यू है वही बी वाई एक्स की वैल्यू थी. और इधर लिख देना रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. वो थोड़ा गलती हुआ, उसके लिए माफी चाहती हूँ. प्लीज आप लोग प्लीज गलत मत पढ़ाई करना, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से कोई गलत पढ़ाई करे. तो यस लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन. अब देखो ये फिफ्थ वन का सीन थोड़ा सा आपको पता है, फिफ्थ वन और ट्वेल्थ वन चेंज ऑफ ओरिजिन से करोगे
तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखो अभी तक हमने तीन मेथड देखे, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे बट प्लीज ध्यान देना, अभी दो क्वेश्चन करने हैं आज। मैंने आपको इन टोटल, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें इन टोटल पता है कितने कितने मेथड यूज हो रहे? थ्री मेथड यूज हो रहे, थ्री मेथड यूज हो रहे। ओके, थ्री मेथड्स कौन से हैं? थ्री मेथड्स, पहला मेथड तो हमारा बहुत इजी है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, अगर मान लो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, बरोबर। और एक्स बार का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, और बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में होगा समेशन ऑफ, क्योंकि पीछे वाई है तो नीचे होगा वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार द होल स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल मेथड है। ये कब यूज करने का? जब वैल्यू बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे फर्स्ट वन में था, सेकेंड वन में था, ठीक है, एथ नाइन्थ में था, आई थिंक एथ और नाइन्थ वन भी था वैसा ही। हाँ, तो ये ऐसा था। ओके, ये नॉर्मल मेथड है अपना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। उसके बाद क्या हुआ, अगर थोड़े वैल्यूज बड़े बड़े होते, जैसे 60 70 के रेंज में था, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया था? चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड यूज किया, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड में हम क्या करते थे, नए वेरिएबल लाते थे, यू एंड वी दो नए वेरिएबल आते थे और हम उसको उससे सॉल्व करते थे, ये बी एक्स वाई बी यू वी में बदल जाता था, ऐसा कुछ होता था। अब एक नया मेथड होगा, एक्चुअली में नया भी हमारा नॉर्मल मेथड ही है, बस हम लोग ये जो बी एक्स वाई की वैल्यू है ना, ये जो बी एक्स वाई की जो बी एक्स वाई का ये फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा अलग लेंगे, दूसरा लेंगे, ठीक है। देखो अभी ये जो थर्ड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है, ये थर्ड मेथड है। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 को चेंज ऑफ ओरिजिन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़े वैल्यू है, चेंज ऑफ ओरिजिन से करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और मेथड दिखाती हूँ, एक और मेथड होगा। अब ये जो थर्ड मेथड है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब वही यही यही है, यही है, बस हम लोग बी एक्स वाई और बी वाई का अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि थर्ड मेथड है हमारा, मान लो हमको रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, बरूबर। और एक्स एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। लेकिन यहाँ पे जो बी एक्स वाई की वैल्यू है ना, वो हम लोग ये नहीं लेंगे, ये वाली नहीं, ये वाली तो ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स इंटू वाई करना हमारे बस में नहीं है, एक्स इंटू वाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए नहीं करेंगे हम ये, तो हम बी एक्स वाई का दूसरा फॉर्मूला लेंगे। तुम लोगों को पता है मैंने तुमको लिस्ट दिया हुआ है फॉर्मूला का, जरा फॉर्मूला लिस्ट निकालो, ये वाला फॉर्मूला लिस्ट निकालना, ये वाला फॉर्मूला लिस्ट निकालना जिसमें बी एक्स वाई और बी वाई के फॉर्मूलाज है, ये देखो ये वाला बहुत खिचड़ी हो गया। देखो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था, बरोबर। अभी ये वाला यूज करेंगे, बी एक्स वाई का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, को वेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई, और बी वाई एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, को वेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है। वेरियंस कहाँ से मिलेगा, ये जो सॉरी को वेरियंस का फॉर्मूला किधर है, ये देखो इधर देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये ग्रुप टू को वेरियंस और वेरियंस ये यहाँ से आएंगे। तो अब तुमको पता चल रहा है इस फॉर्मूला की अहमियत, ये फॉर्मूला की बहुत अहमियत है। अब आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बट रुक जाना, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अब देखो ये वाले को हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, बी एक्स वाई का एक फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया ना, वो क्या है पता है, ये को वेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन, क्योंकि पीछे क्या है वाई है तो यहाँ पे होगा सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरियंस ऑफ वाई, को वेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। और अगर हम लोग वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और बाकी ये तो पता ही है, एक्स बार वाई बार तो ऐसे ही आएगा नॉर्मल, और बी वाई एक्स का नया फॉर्मूला ला रहे हम लोग, नया फॉर्मूला ये रहा। इधर भी क्या होगा, ऊपर में कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा, और डिवाइड में क्या आएगा, क्योंकि नीचे है क्या है, पीछे क्या है एक्स है ना, तो नीचे आएगा वेरियंस ऑफ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरियंस ऑफ वेरियंस, इसको वेरियंस बोला जाता है, वेरियंस ऑफ एक्स, ये है वेरियंस ऑफ वाई,
अभी ये नए फॉर्मूलाज यूज करेंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। ये थर्ड मेथड है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यूज करने वाले, ठीक है। लेकिन अभी ये देखो, दो मिनट के लिए और सुनो, दो मिनट के लिए, कोवेरियंस को अलग से निकालना, वेरियंस को अलग से निकालना, इतना मत झंझट मारी करो। मैं आपको इसको थोड़ा और सॉल्व करती हूँ, दो स्टेप और देख लो। अभी बी एक्स वाई फाइंड करना है, राइट। तुम लोग वो पीछे वाला फॉर्मूला वाला लिस्ट देखो, कोवेरियंस का फॉर्मूला बताओ, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है। ग्रुप टू में देखो, कोवेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन एन, ये हो गया किसका, वेरियंस का फॉर्मूला, ठीक है। अभी अपॉन अपॉन, ये अपॉन कौन सा अपॉन है, ये वाला अपॉन। अभी वेरियंस ऑफ वाई का फॉर्मूला देखो, वेरियंस ऑफ वाई का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से एन और यहाँ से एन गया, तो यानी कि अभी हमको बी एक्स वाई का एक नया फॉर्मूला आ रहा है नजर, बी एक्स वाई का एक नया फॉर्मूला नजर आ रहा है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा नीचे समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ये होगा हमारा नया फॉर्मूला, क्या होगा, ये हमारा नया फॉर्मूला होगा, ठीक है, किसका, बी एक्स वाई का, बी एक्स वाई का। तो फिर से सुनो, फिर से सुनो, आई नो आप लोग को थोड़ा सा ऐसा अटपटा लग रहा होगा, बट सुनो, क्योंकि सुनने की सुनो, जितना नहीं अच्छा लग रहा है सुनने को उतना सुनो, क्योंकि यही तुमको मोटिवेट करेगा, यही तुमको आगे लेके जाएगा। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का एक नया फॉर्मूला भी है, एक और फॉर्मूला है, पुराने वाले से तो काम नहीं बन रहा है, तो ये भी याद करो, क्या है फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब इसको वेरियंस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब वेरियंस ऑफ एक्स। लेकिन कोवेरियंस और वेरियंस को अलग क्या निकालना, मैंने बोला इनकी जो भी वैल्यू है इधर ही पुट कर लेते और एक नया फॉर्मूला लाते। तो ये देखो, मैंने बोला कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, वो है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन होता है, डिवाइड में इसका, ये वेरियंस ऑफ वाई का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, ये एन कैंसिल। कुछ बच्चे बोलते हैं मिस ये वाई माइनस वाई बार वाई माइनस वाई बार कैंसिल कर दो, नहीं होगा बच्चा, ये पूरा साथ में ये साथ में, ऐसा नहीं होता है। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पूरा, दैट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो ये एक तुमको नया फॉर्मूला मिल रहा है, इसको नोट डाउन करो, बी एक्स वाई का, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अभी सेम आप लोग बी वाई एक्स का भी निकाल सकते हो, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, फिर से सुनो, कोवेरियंस का फॉर्मूला यही रहेगा, यही है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन और अपॉन ये वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, एन एन कैंसल हुआ, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला समझ में आया बी बाई एक्स का, क्या, ये देखो, अपॉन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में पीछे क्या एक्स है, तो इसलिए नीचे आएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ और ट्वेल्थ है उसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सिंपल सी बात बतानी थी आपको, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया बट ये बहुत जरूरी है। तो चलो अभी हम फिफ्थ वन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, रेडी, रेडी, देखो फिफ्थ वन मैंने आपको थोड़ा बहुत तो समझाया था बट सुन लो, ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन था, चेंज ऑफ ओरिजिन तो नहीं हो पाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन से हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बोला था ये नहीं होगा, तो मैंने ऑलरेडी टेबल वेबल बनाया था बट ये बहुत लेंथी हो रहा था। चलो ये करो, फिफ्थ वन देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ 10 वर्कर्स सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब 10 वर्कर का डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उसमें किसका डेटा है, ये उनके एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का ये डेटा है और उनके प्रोडक्टिविटी इंडेक्स का ये डेटा है, ठीक है, एप्टीट्यूड में कितना स्कोर किया है ये और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में क्या स्कोर किया है वो ये है।
अभी बोला है ऑप्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन ऑप्टेन करना है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, फिर ये दो चीज हमको फाइंड करनी है। इसको मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है? पहले रिग्रेशन इक्वेशन लेके आ जाते हैं। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है भाई, हमारा टारगेट है दोनों चाहिए ना, एक्स ऑन वाई भी चाहिए और वाई ऑन एक्स भी चाहिए, बरोबर। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, बरोबर। एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, एक्स बार का वैल्यू पता ही है, वाई बार का वैल्यू पता ही है, कैसे निकालोगे? इसके हम लोग नए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला है? बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब समेशन ऑफ दिस अपॉन समेशन ऑफ, यहाँ पे नीचे y है तो इधर आएगा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, जो अभी मैंने बताया। सेम इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी वाई एक्स का दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये ऊपर वाला सेम ही है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और अपॉन में क्या होगा, नीचे होगा x, दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, डन। तो ये क्यों लिख रही हूँ मैं सामने, ताकि आपको पता चल सके कि अभी टेबल कौन कौन से बनाने, ये एक्स है ये वाई है, नेक्स्ट टेबल में कौन सा बनाऊ बोलो। एक्स इंटू वाई का तो नहीं बनेगा क्योंकि उसकी गरज नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे हमको किस किस की गरज है, देखो समेशन ऑफ समेशन टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का, तो मतलब यहाँ पे एक्स बार और सॉरी एक्स माइनस एक्स बार, नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स माइनस एक्स बार का, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा वाई माइनस वाई बार का, फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका सम चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला कॉलम चाहिए हमको, है ना। तो ये देखो कैसे नया कॉलम बन रहा है, ध्यान से सुनो, एक्स वाला वाई वाला कॉलम, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमको कौन सा, इधर क्या है ये देखो, समेशन, समेशन मीन्स टोटल, हमको टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए भाई, क्या हुआ भाई, कट क्यों हो रहा है? हाँ थैंक गॉड। हाँ हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल चाहिए किसका, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का। तो हमने कॉलम बनाया एक्स माइनस एक्स बार का अलग से पहले, फिर वाई माइनस वाई बार का। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वाला मैं लास्ट में लिख रही, दैट इज एक मिनट, हाँ दैट इज एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इनका जो टोटल आएगा, इनका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो नीचे क्या है, समेशन, समेशन मीन्स टोटल, किसका टोटल चाहिए, वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का, यानी कि वाई माइनस वाई बार जो है ना इसका स्क्वायर का टोटल चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना तो इसका मतलब इसके बाद इधर आएगा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, तो इनके जो टोटल हो गए, इसका टोटल वो यहाँ पे काम आएगा, समेशन मीन्स टोटल, और इसका टोटल की कोई जरूरत नहीं है तो ये नहीं फाइंड करेंगे, और ये तो हमको मीन के लिए लगेगा टोटल, ठीक है। तो कॉलम कैसे बने, क्लियर हुआ, कॉलम कैसे बन रहे हैं, क्लियर है। तो ये नया बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे, ओके, तीनों मेथड याद रखो अच्छा रहेगा, ओके डन। कौन सा टोटल नहीं चाहिए वो भी ध्यान रखो, सब जबरदस्ती का टोटल मत निकालो, टाइम वेस्ट होगा, इसका टोटल नहीं चाहिए। पहला कॉलम है एक्स, नेक्स्ट हाँ पहला कॉलम है एक्स, नेक्स्ट कॉलम है वाई, थर्ड कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार। अच्छा ये कॉलम है क्या, आपको पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा मतलब मीन निकालना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे सारे वैल्यूज को, ये जो एक्स है, एक्स मतलब ये सारे वैल्यूज को हम माइनस करेंगे मीन से। अब मीन कितना आ रहा है वो तो 65 आ रहा है, मेरे को पता है इसलिए मैंने लिख दिया, तो सारे वैल्यूज को एक्स बार से माइनस करेंगे, ठीक है क्लियर हुआ। वैसे ही नेक्स्ट कॉलम है वाई माइनस वाई बार, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम है इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। चलो स्टार्ट करें, लेकिन मीन के बिना स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मीन हमको निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मीन निकालते हैं, तो मीन निकालते हैं बच्चा पार्टी, पहले इसका टोटल करेंगे, टोटल करेंगे। मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ कि मैं पहले से ऑलरेडी टोटल वोटल कर चुकी हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आपको एडिशन आता होगा, बहुत सम मैंने आपके सामने किए, अभी ये मैं फटाफट करने वाली हूँ, ठीक है।
चलो टोटल कर दिया, मीन निकालते। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अभी ये फटाफट कर रही हूँ मैं, बाद में और अच्छे से लिख देंगे। मीन पहले से निकालना पड़ेगा वरना नहीं आएगा। समेशन ऑफ एक्स है 650, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो आप ही सोचो 650 अपॉन 10 करोगे तो कितना आएगा, 65। मतलब एक्स बार हमारा 65 होगा, वाई बार भी हमारा कितना होगा, 65 होगा, ठीक है। तो मतलब मीन आता है, मीन होगा ये 65, ये भी कितना होगा, 65। चलो रेडी स्टार्ट करते हैं। अभी ये जीरो भी मिट गया होगा, ठीक है। चलो ये भी 650 आया इसका टोटल, तो दोनों का मीन सेम होगा। तो अभी क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को 65 से माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 60 माइनस 65 माइनस 5, 62 में से 65 गया तो माइनस 3, 65 माइनस, देखो एक्स बार हमारा याद रखना 65 है, वाई बार भी 65, तो माइनस कर रहे। 65 में से 65 गया तो 0, 70 में से 65 गया तो 5, 72 में से 65 जाएगा तो 72 माइनस 65। एक मिनट ना, इधर लिखूंगी, थोड़ा बाजू में लिखूंगी। तो यहाँ पे ये 12 और ये 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और ग्रेटर नंबर साइन तो प्लस ही है। चलो 48 माइनस 65, तो 65 ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 1 5 6 7, यानी कि 6 7 8 17, ठीक है 17। ग्रेटर नंबर साइन माइनस होगा इसमें, क्योंकि माइनस 65 हो रहा है ना, सब में माइनस 65 हो रहा है, मतलब मीन सब में माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखो। ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो ग्रेटर नंबर साइन माइनस आया। 53 माइनस 65, तो 53 माइनस 65, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12, मतलब माइनस 12। नेक्स्ट 73 माइनस 65, तो ये 13 और ये 6, तो यहाँ पे 3 4 5, तो 8 आएगा, तो 8, ग्रेटर नंबर साइन प्लस ही है। चलो 65 में से 65 गया तो 0, 82 माइनस 65, तो ये 12 और ये 7, 2 3 4 5, तो यानी कि 7 और ये 1, 17 आएगा यहाँ पे, ग्रेटर नंबर साइन प्लस ही। चलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हाँ या ना भी बोलते जाओ, ठीक है। चलो डन, अभी कुछ नहीं, अभी मैं चेक करूंगी, क्योंकि रिक्स नहीं ले सकते, है ना। माइनस 5 माइनस 3 0, 5 7 माइनस 17 माइनस 12 8 0 7, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट लेट अस मूव टू नेक्स्ट, इधर भी सारा 65 से माइनस करना है, तो 68 में से 65 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पे माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, 80 होगा तो क्या हो जाएगा, मैं फटाफट लिख देती हूँ अभी ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 13, ये माइनस 3, माइनस 5 एंड 16। मतलब बेसिकली समझ रहा है ना, माइनस 65 हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस 65 कर रहे हैं, ठीक है। चलो डन, ये हो गया, वाह 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 वाह, जो नहीं जाना चाहिए वो भी चला गया। ये देखो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग, एक मिनट यहाँ पे ये क्यों चला गया भाई। नेक्स्ट अभी ये कॉलम दो बन गए, अब स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले गया हम लोग, ठीक है। चलो 5 माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर लेके तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये 9 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 25, 49, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, ये 144, ये 64, ये 0, ये 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले, 9, 25, 9, 225, 400, 625, 169, 9, 25, 256, ओके। अभी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन दोनों का लेना है, इन दोनों का नहीं, हाँ इन दोनों का, स्क्वायर का नहीं लेना है, तो इन दोनों का लो। माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 15, ये 0, 75, ये हो जाएगा 140, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इतना अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, ओके 140, ये रॉन्ग क्या हुआ इसमें, नहीं नहीं बरोबर ही। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 425, 156, 24, 0 और यहाँ पे 272, ठीक है। बस एक बार चेक कर लेती हूँ, सब राइट होना चाहिए, बरोबर।
425। हाँ ये तो अपना ठीक ही है, चलो डन। अभी टोटल करो, टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका चाहिए टोटल, इसका टोटल, टोटल आपको आ जाना चाहिए। टोटल में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 894 एंड 1752, ठीक है। तो टोटल मैं फटाफट लिख देती हूँ क्योंकि ये प्लस वाला हो जाएगा, प्लस करना तो अभी आपको आता ही होगा। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर कितना आ रहा है, एंड समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर कितना आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बोलो। तो इसका समेशन करो सब लोग, इसका समेशन करोगे तो हमको आने वाला है 894, और इसका समेशन आने वाला है 1752। फिर इसका टोटल करना, ये देखो -15 + 15 कैंसिल कर देना, बाकी इन सबको ऐड करना। तो यानी कि इसका जो समेशन है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसका टोटल आने वाला है 1044, ठीक है, डन हो गया। ये हो गया अभी, चलो टेबल फुल कंप्लीटेड। अभी आते हैं नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा ये मैंने आपको समझाया है। तीन मेथड है टोटल, ये नॉर्मल अपना, ये चेंज ऑफ ओरिजिन वाला, और ये भी नॉर्मल ही है, बस इसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसको करते हैं रफ ये, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे, हमने एक्स बार और वाई बार निकाल के रखा था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये 650/10, ये हो गया 65। हमने वाई बार भी निकाल के रखा था, दैट इज समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। ये ऐसा मेथड है जिसमें मीन पहले ही निकालना पड़ता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अभी हम यूज करें, अभी हम फाइंड करेंगे बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, बस अलग फॉर्मूला से। फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में क्या होगा, नीचे वाई है तो इधर नीचे वाई आएगा, समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तो ये इसका टोटल कितना आया है, इसका टोटल पीछे देख लो, पीछे आप लोग काउंटिंग कर लेना, मैं डायरेक्टली फटाफट देख लेती हूँ, 1044, ठीक है। ये देख लो, ये 1044, एंड ये कितना आया है 1752। अब दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर डिवाइड करना आसान है, डिवाइड पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो डिवाइड करना बहुत इजी है, ऐसा कुछ इतना हार्ड नहीं है। 1752 है, उसके बाद इधर है 1044, तो जीरो जा लोगे पहले तो, ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो आएगा पॉइंट, तो 1752 कितना जा ले, 5 जा ले लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 25 26, 5 7 जा 35, 36 37, एंड 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक है। तो यही बराबर होगा, 6 6 जा बड़ा हो जाएगा, आप लोग देख लेना वो। तो ये जीरो हो गया, ये 14, ये 3, ये 9, ये 0 और ये 1। 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो 3 4 5 6 7, तो ये 6 हो गया एंड ये 1 और एक्स्ट्रा 0। तो अभी यहाँ पे 5 जा लिया ना हमने, हाँ अभी 9 जा ले लेते, 9 जा, ठीक है, 9 जा आई थिंक बरोबर हो जाएगा, तो 0.59 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया, ओके डन। अप्रोक्सीमेटली बस हुआ, 2 डिजिट तक बस हुआ, इतना हम लोग नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर राइट ही आ जाएगा, देख लो तुम लोग। अब आ जाते हैं बी वाई एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में नीचे एक्स होगा, दैट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर वाला तो यही है 1044, नीचे वाला ये रहेगा, दैट इज ये वाला 894। दोनों को अभी डिवाइड करेंगे तो 894 1044, पहले 1 जा लेंगे 894, ये हो गया 0, फिर ये 14, ये 9 और ये 0, तो 1 4 5 6 7 8 9, 5 और ये 0, तो 894 कितना लेंगे, 2 जा भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि 2 जा का आंसर भी 1600 के ऊपर जाएगा, तो फिर से 1 जा ही लेना पड़ेगा, 1 जा 894 हो जाएगा। तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये 1। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 9 गया तो 0 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 6 और ये हो गया, तो ये 0। अब क्या ले, 894 5 8 जा 5,
5 8 5 8 40, मतलब 4000 के रेंज में कुछ आंसर आएगा, उससे भी बड़ा होगा। 5 4 20, 5 9 45 46 47, 5 8 40 एंड 44, नहीं ये तो 4000 है। अभी कुछ और लेते हैं, 6 8 48, 7 8 56, 7 लेते हैं, 7 4 28, 7 9 63, 64 65, 7 8 56, 57 58 59 60 61 62, बहुत बड़ा हो गया, यानी कि 6, मुझे लग रहा है 6 ही ठीक रहेगा। बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो इसमें। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर है 1.16, किसका, बी वाई एक्स का, ठीक है, डन। तो दोनों सब कुछ मिल गया है, अभी मैं एक बार देख लेती हूँ कितना आंसर है भाई। 1.16 इज राइट, मतलब ठीक है, अप टू 2 डेसिमल बस हुआ, इतना टाइम नहीं रहेगा। नाउ वी विल फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x। चलो, नाउ द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज गिवन बाय, क्या है, x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ओके, तो चलो x माइनस x बार कितना आया है, 65 इज इक्वल टू बी एक्स वाई, देखो ये रहा 0.59, एंड y माइनस वाई बार भी 65, ठीक है। तो x माइनस 65 इज इक्वल टू 0.59, ये अंदर जा रहा है, 0.59 इंटू वाई, 0.59 वाई, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करो, तो 0.59 इंटू 65 करेंगे, 5 9 45, 5 5 25, एंड ये 29 हो गया, 2 0, 6 9 54, 6 5 30, एंड ये हो गया 35, एंड ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5 6 7 8, और ये 3 पॉइंट आएगा इधर, दैट इज 38.35, ठीक है। अभी ये x, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, x इज इक्वल टू 0.59y माइनस 38.35, ये माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो therefore regression equation x on y आ रहा है, तो ये 0.59y, ये माइनस प्लस होता है माइनस, 65 में से हम लोग 38.35 निकाल दे, तो ये 10, ये 9, ये 4, ये 5, और ये 14 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6.45678, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो 26. ग्रेटर नंबर साइन प्लस 26.65, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ गया रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। इसके आगे भी करना है आपको, इसके आगे क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, लेकिन वो मैं बाद में बताती हूँ, अभी मैं थोड़ा जगह छोड़ देती हूँ। ना ये हो गया x ऑन y, ठीक है, x ऑन y है ना, बरोबर, हाँ। अभी पीछे का आंसर थोड़ा मैच नहीं करेगा क्योंकि वो गलत दिया हुआ है, पीछे आंसर गलत है तो वो तुम लोग चेक भी मत करो। मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा सम है, ऐसे सम्स बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं वैसे तो, ठीक है। तो 0.59 इंटू 65, 38.35 बरोबर, तो माइनस 38.35 माइनस 65, 38.35 38.35 माइनस 60 बरोबर आया, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालते हैं, थोड़ा मैंने जगह छोड़ा। व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, तो यानी कि y माइनस 65, बी वाई एक्स कितना आया है 1.16, x माइनस x बार मतलब 65। चलो तो y माइनस 65 इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा 1.16x माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वन, मैं अभी है ना थोड़ा सा फटाफट करती हूँ, 1.16 इंटू 65, 75.4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 75.4, ये उधर गया तो प्लस 65 होगा, तो y इज इक्वल टू 1.165, माइनस प्लस माइनस होता है तो 75.4 में से माइनस करेंगे 65, तो 10.4 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है। तो ये रहा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। अभी आते हैं और वैल्यू पुट करते, खत्म नहीं हुआ है, अब आगे देखो क्या बोला,
आगे बोला है। अरे अच्छा ये मिट रहा है कब से, मैं वही सोचू पीछे क्यों नहीं जा रहा है। क्या था 10.4, हाँ 10.4। चलो अब इधर आ जाओ, ये देखो हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आगे भी दिया है। क्या बोला है कि एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब फाइन करो। क्या फाइन करना है? फाइन फाइंड द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मतलब वाई फाइन करना है। फाइंड द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। टेस्ट स्कोर मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 95 है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ये है। फिर बोला है नेक्स्ट एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब फाइन करना। फाइन द टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर मतलब एक्स फाइन करना है। व्हेन द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी कि वाई कितना दिया है 75। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आप किस में पुट करोगे। ऐसे वैसे किसी भी इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एक्स गिवन है और वाई फाइन करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो है, पहला वाला जो है एक्स की वैल्यू 95 किस में पुट करोगे, इन दोनों में से कौन से इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमको वाई क्या करना है फाइन करना है और एक्स क्या है गिवन में दिया हुआ है, तो आप ये वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हो। तो यहाँ पे आप लोग इसमें क्या करना, आगे पुट एक्स इज इक्वल टू 95, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। जरा मुझे बता दो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, आप पुट कर लेना। तो ये वाला याद रखना, ये उल्टा का इसे भी पुट नहीं कर सकते, ये नहीं चलता है। अब इधर क्या है, वाई अगर 75 दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। वाई अगर 75 दिया है मतलब वाई गिवन है और एक्स इन वाई गिवन है, इसका मतलब वाई इज इंडिपेंडेंट एंड हमको क्या फाइन करना है, एक्स फाइन करना है। तो वाई की वैल्यू 75, इधर इसके आगे देखो मैंने जगह छोड़ा था, तो वाई के जगह पे 75 पुट करो इसमें और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मुझे कमेंट में बता दो। ये काम मैंने दो आपके लिए सौंपे हैं, पीछे का आंसर चेक मत करना वो रॉन्ग है। एक्स की वैल्यू क्या होगी पता है, 70.9 होगा। देखो राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में बताओ। एक्स की वैल्यू होगी 70.9 और वाई की वैल्यू 99 समथिंग होगा, 99। का वैल्यू 100 होगा, 99.8 या 2 कुछ तो है, मुझे आइडिया नहीं है। इधर तो 100 समथिंग है क्योंकि इन लोग ने इसके आगे 4 डिजिट लिया था, तो इनका वैल्यू अलग है थोड़ा, बट इतना आने वाला है 99.2 या 99.8 है कुछ। देख लो ये दोनों आंसर चेक कर, ठीक है। ये हुआ हमारा फिफ्थ वन। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट लास्ट वन। फाइनली ये प्रैक्टिस एट बच्चा पार्टी खत्म हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको देखो, इसको हम करेंगे चेंज ऑफ, देखो तीन मेथड है, उसमें से पहला मेथड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि नीचे बहुत बड़े बड़े वैल्यू है। ऊपर तो चलो ठीक है, एक्स का वैल्यू छोटा है बट वाई का वैल्यू बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो चेंज ऑफ ओरिजिन भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 45 और सबसे बड़ी वैल्यू जा रही है 90, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन करोगे तो भी वाट लगेगी, लेकिन अगर आपको चेंज ऑफ ओरिजिन, सॉरी हाँ चेंज ऑफ ओरिजिन बरोबर बोला मैं, बोली गलत तो नहीं बोला, चेंज ऑफ ओरिजिन से करना है तो भी इसको कर सकते हो, लेकिन हम कौन से मेथड से करेंगे, वो तीसरा वाला, ठीक है। अब भी जो हमने नया नया इसमें सीखा हुआ है, तो देखो ध्यान से सुनो क्या बोला है। द फॉलोइंग सैंपल गिव्स द नंबर ऑफ आर ऑफ स्टडी, यानी कि ये आर ऑफ स्टडी है पर डे फॉर एन एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट। तो यहाँ पे 12 एन मतलब 12 होगा ऑब्वियसली, एन 12 है। हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे कि 12 लोगों का, अरे एन ऐसा क्यों बन रहा है, 12 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है 12 बच्चों का, कि वो हर दिन कितना पढ़ाई करते थे और उनका कितना मार्क्स आया। पहला स्टूडेंट 3 घंटा पढ़ाई करता था, उसका मार्क्स आया है 45, पता नहीं आउट ऑफ 100 होगा शायद, ठीक है जो भी है, ऐसा 12 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट। हमको क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन आर ऑफ स्टडी। मतलब ये कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, देखो फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करो ऑफ क्या, ऑफ मार्क्स ऑन ऑन आर ऑफ स्टडी, ऑन मार्क्स सॉरी सॉरी मार्क्स ऑन आर ऑफ स्टडी। अब देखो पहले तो मार्क्स क्या है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है आवर्स ऑफ स्टडी, और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करता है मार्क्स। ये देख लो पहले,
ये देख लो इधर, ठीक है, हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन मार्क्स ऑन आर ऑफ स्टडी, मार्क्स मतलब वाई, ऑन आर्स ऑफ स्टडी मतलब एक्स, मतलब हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, दोनों नहीं निकालना, एक ही निकालना, वाई ऑन एक्स, समझ में आया कैसे डिकोड करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, दैट इज मार्क्स ऑन आर्स ऑफ स्टडी, मार्क्स है वाई, तो वाई ऑन आर ऑफ स्टडी एक्स है, तो वाई ऑन एक्स निकालना, तो इसको हम यूज करेंगे वो वाला मेथड, यानी कि एक्स है एक्स बार है, अब कौन सा वाला बनाओगे, वेरी गुड, एक्स माइनस एक्स बार वाला, फिर वाई माइनस वाई बार वाला, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, एक कॉलम कम हो गया है, एक कॉलम कम क्यों हुआ पता है, क्योंकि इधर हमको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना था, ये जो फिफ्थ वाला था ना, इसमें हमको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना था, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही फाइंड करना है, तो एक कॉलम नहीं होगा इसमें, वो कौन सा कॉलम नहीं होगा वो मैं बताती हूँ, बट ये वाला देखो, इसमें हमने इसका भी स्क्वायर निकाला था, इसका भी स्क्वायर निकाला था, बट इसमें दोनों में से सिर्फ एक का ही स्क्वायर निकालना है, कौन सा निकालेंगे, गिवन वाले का निकालेंगे, हमेशा याद रखने का गिवन वाले का निकालने का, एक मिनट, तो इधर किसका निकालेंगे देखो, y on x में गिवन कौन होता है, गिवन होता है x, और y फाइंड करना है, तो मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर की गरज होगी हमको, इसके स्क्वायर के समेशन की, टोटल की गरज होगी, तो y माइनस y बार द होल स्क्वायर की गरज नहीं है, ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट लास्ट का, x माइनस x बार, y माइनस y बार, चलो स्टार्ट करें, कॉलम डिसाइड हो गया, अभी फटाफट करो, अच्छा मीन निकालना पड़ेगा ना, मीन निकालते, चलो मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ऐसा मेथड है ना जिसमें मीन पहले ही निकलता है, ओके, चलो मीन निकालते, तो मीन निकालने के लिए पहले यार टोटल भी करना है इनका, तो टोटल करो, टोटल करेगी और मीन निकाले, तो यहाँ पे 9, 16, इससे अच्छा तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, एडिशन आप अच्छे से कर लेना बच्चा पार्टी, 59, ठीक है 59, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 850 मिल जाएगा, ठीक है, चलो तो मीन भाई पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, ओहो, अगर पॉइंट में आया ना बच्चा, रुको 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 रुको, इधर है ना ये वाला सम, ये वाला सम तो चेंज ऑफ ओरिजिन से ही हो रहा है, नहीं 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 नहीं, ओ नाइस, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आंसर देखो, रुको 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 रुको, इसको तो चेंज ऑफ ओरिजिन से ही करने वाले हैं, कैसे, क्यों मिस, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, इसको डिवाइड करोगे ना, क्या आ रहा है 59, और एन कितना है 12, अरे भाई साहब पॉइंट में आएगा, अरे भाई साहब पॉइंट में आएगा, अब एक्स बार अगर पॉइंट में आया तो वाट लगा देगा ये हमारी, क्यों भाई पॉइंट में माइनस करोगे वाट नहीं लगेगी, उधर तो 65 था तो हो गया, मतलब वाओ नाइस, इसको हम कैसे करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन से करेंगे, क्योंकि अब ये वाला भी नहीं जमेगा इधर, यार कुछ ज्यादा ही लफड़ा इधर, चेंज ऑफ ओरिजिन, पहले तो मैंने स्टार्टिंग में बोला चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं करेंगे, बट अभी चेंज ऑफ ओरिजिन ही लग रहा है, वाह 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 मिस क्या बात है, चलो करें चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से करते, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है पता है ना, एक्स चेंज हो जाएगा यू में, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी y चेंज हो जाएगा किसमें, v में, तो v इज इक्वल टू y माइनस बी, अभी पता है ना आगे क्या होगा, u इंटू वी लगेगा, और क्योंकि हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो यानी कि x गिवन है, y विल बी रिप्लेस विथ v ऑन x, रिप्लेस हो रहा है u से, मतलब एक्स स्क्वायर चाहिए रहता, बट एक्स स्क्वायर नहीं, अभी हम यू स्क्वायर निकालेंगे, जिसने मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन का मेथड अच्छे से देखा है उसको समझ में आ रहा होगा, जहां मैं वो चेंज ऑफ स्केल बोल रही थी वो गलत बोल रही थी, बट क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये वाला कॉलम, ये वाला अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फंस जाओगे, देखो ये क्लियर, अभी ए कौन होगा, मिडल, इसका मिडल कौन होगा, इधर ऊपर से 6 निकालो, इधर भी 6 गए, मिडल में ये दोनों आ रहा है, वैसे तो किसको भी रख सकते हो मिडल में, ये तो 5 रहेगा यहाँ पे, ए की वैल्यू 5 रहेगी, और इसमें दोनों में से 70-80 कुछ भी रख सकते हो, तो 70 या 80 क्या रखोगे, जो इधर होता है ना वही मैं लेती हूँ, क्योंकि एडिशन के टाइम पे थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब
कंपैरिजन करो, ये ले लेते, ये बी ले लेते, ठीक है। तो चलो देखो, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, लेट्स स्टार्ट। अभी ए फाइव से सबको माइनस करेगी, ए माइनस हो रहा है मतलब फाइव माइनस, थ्री में से फाइव गया तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू, माइनस वन माइनस वन, जीरो जीरो जीरो, ये वन वन, ये टू, सेवन माइनस फाइव टू, एट माइनस फाइव थ्री, ये तो बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट वी, अभी सत्तर माइनस करेगी, तो सबसे सत्तर माइनस करेगी, सत्तर में से 45 जाएगा तो 35, तो माइनस में आएगा माइनस 35, राइट। बुक नहीं, नहीं नहीं माइनस 35 नहीं भाई, 25, यही गलती होता है हमें से, एक मिनट ना, सत्तर में से 45 जाएगा तो ये 10 और ये 6, हाँ 25 आएगा। देखा गलती हो जाता है, इंसान ही हूँ भाई, गलती हो जाता है। माइनस 20। अब इधर 60 में से ये गया तो -10, उसके बाद ये हो जाएगा 15, ठीक है। ऑब्वियसली -15 -10, यहाँ पे हो जाएगा 5 0। 80 में से 70 गया तो 10, ये हो गया हमारा 5। यहाँ पे 90 में से 70 गया तो 20, यहाँ पे ये 10, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये हो जाएगा 15, ठीक है। हो गया 15 5 10 25 10 0। चलो यू इन टू वी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस, ये 50 हो गया। इधर इतना भी बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता है मैंने इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से मना क्यों किया, मतलब ठीक ही वैल्यू था, इतना भी कुछ गंदा नहीं आ रहा था, चेंज ऑफ ओरिजिन से कर सकते थे। वो वाला था ना एक, जो फिफ्थ वाला है ना, वो बकवास है एकदम, वो ही सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं हुआ, नहीं तो अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट था। वो फिफ्थ वाले ने दिमाग खराब कर दिया अपना, ठीक है। नहीं तो उसको भी चेंज ऑफ ओरिजिन से कर दो, तो आपको सिर्फ दो ही मेथड करना है, ओके। चलो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे ये 30 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये 10, ये हो जाएगा -5, 0 0 0, ये 20, यहाँ पे ये 10, यहाँ पे ये 10, यहाँ पे आ जाएगा 45, ओके। अभी यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब ये 4 4 4, 1 1 0 0 0, 1 1 4 and 9, ठीक है, डन। अभी टोटल सबका चाहिए रहेगा, इसमें इसका भी टोटल चाहिए रहेगा, तो माइनस 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 सब प्लस ही होने वाला है, 4 5 6, नहीं 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 सॉरी, -1 +1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, और ये रह गया -4, और ये हो गया 3 + 3, मतलब -1 आ रहा है इसका समय, समेशन ऑफ यू आ रहा है -1, क्योंकि -4 + 3 कितना हो जाएगा 1 -1, बरोबर बोला। अब इधर देख लो, इधर कट होगा क्या, -15 और ये +15 कैंसिल, ये दोनों 15 बनाएंगे ना, कैंसिल कर। नेक्स्ट -10 + 10 कैंसिल, अब 25 को उड़ाती हूँ, -25 और ये दोनों +25 कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ, और एक बात, और एक बात रुको, अब ये -10 और 5 और 15 होता है 20, तो यानी कि -10 + 20 यानी कि 10 बचेगा यहाँ पे, बरोबर। या 10 में से 5 निकालो, -5 और +15 कितना होगा 10, तो बरोबर ही तो बोला है मैंने, यू नहीं वी है ना, ये समेशन ऑफ वी कितना बचेगा 10। अब ये वाला इधर करते कुछ, तो इसको उड़ा देते पहले, उड़ाने के लिए इधर कोई है नहीं, छोड़ो, 50 60 70 80 90 100 और 110, 130 140 150 150 and 150, 160 70 80 90, 195 में से 5 निकालो, 190 बचेगा, 190 बरोबर आया। ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29, तो समेशन ऑफ यू स्क्वायर आया 29, ठीक है, डन। हा 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 माय गॉड, दिस इज समथिंग अदर लेवल, ये टॉर्चर करेगा ये प्रैक्टिस सेट। चलो अभी आते हैं फटाफट, चेंज ऑफ ओरिजिन में यू बार भी निकालना रहता है, वी बार भी निकालना रहता है, एक्स बार भी निकालना पड़ता है, वाई बार भी निकालना पड़ेगा, तो यानी कि समेशन ऑफ यू अपॉन एन, समेशन ऑफ वी अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। अभी समेशन ऑफ यू, पहले यू कितना है भाई, ये -1 है, -1 / 12 करो, ठीक है। अब मैं फटाफट इधर से वैल्यू देखूंगी, बिकॉज इतना टाइम हम नहीं ले सकते,
समेशन ऑफ वी है 10 डिवाइड बाय 12, ये है 59 अपॉन 12। आप लोग ये डाउट तो नहीं आ रहा है ना कि वो थर्ड मेथड क्यों नहीं यूज किया मिस, क्योंकि मीन है ना पॉइंट में आएगा और वो फिर सारे वैल्यूज को माइनस करना पड़ता है मीन में, मीन से। तो पॉइंट में माइनस करोगे तो हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी और मेरी भी, ऑब्वियसली मेरी भी हालत टाइट ही हो जाएगी। ये 850 अपॉन 2 है, ठीक है। चलो जल्दी से निकाले, 12 को डिवाइड करना है 1 से, तो पहले जीरोज आ लेंगे, ये 10 हो गया पॉइंट, फिर से जीरोज आ लेंगे, ये आ गया 100, तो 12 8 जा 96, तो 4 बचेगा, मतलब मैं इतना ही ले रही हूँ। और एक पॉइंट ले लूँ क्या? पॉइंट के बाद वैसे भी हम लोग दो डिजिट ही लेते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे ये 4 बचेगा 0, 12 3 जा 36, तो आंसर है -0.083। अब ये फिर से यहाँ पे 12 है और ये 10 है, तो यहाँ पे आई थिंक 0.83 हो जाएगा, 0.83। क्यों, कैसे समझा? ऑब्वियसली ये 1 था तो ये था, 10 होगा तो 0.83 होगा, ठीक है, डन। ये वाला डिवाइड कर लेना 12 से, तो 4.92 समथिंग आएगा, ये डिवाइड करोगे तो आएगा 70.83। इधर भी अगर अप टू 2 रखना है, अप टू 2 डेसिमल रखना है तो रखो, ऐसा ना नहीं। मुझे लगता है कि 12 से डिवाइड आप कर सकते हो, इसमें इतना वो नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का। अभी हमको चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, तो हम लोग बी वाई एक्स निकालेंगे, बट बी वाई एक्स नहीं निकालेंगे, बी वी यू निकालेंगे, पता है ना चेंज ऑफ ओरिजिन हो, तो हम लोग क्या निकालेंगे, बी वी यू, ठीक है। चलो रेडी, तो बी वी यू निकालेंगे, बी वी यू क्या होगा फॉर्मूला, समेशन ऑफ यू वी माइनस एन यू बार वाई बार, अपॉन में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ यू है ना, तो यू स्क्वायर माइनस एन यू बार द होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ u into v कितना था, समेशन ऑफ u into v 190, ये है 190, माइनस n है 2l, u बार v बार ये देखो माइनस 0.083 इंटू, ये मैंने गलत लिखा है, v नहीं y नहीं, v बार कितना है 0.8 अपॉन में, ये है 29 मुझे याद है, माइनस n 12 इसका स्क्वायर, यानी कि माइनस 0.083 का स्क्वायर, ठीक है। चलो रेडी, तो 190 आप लोग इस सबको साथ में मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हुआ प्लस, और इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और यहाँ पे लिखो अपॉन में, ये हो गया 29 नहीं सॉरी ये मैं माइनस माइनस कर रही थी, ऐसा नहीं करना, पहले इसके स्क्वायर को ओपन करो और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ही साइड, ठीक है। तो चलो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, भाई इतना भारी क्वेश्चन है ये तो, अब ये तो बहुत प्रॉब्लम देगा अपने, फिलहाल तो राइट ही चल रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई करना बोरिंग लग रहा है मुझे अभी बहुत, चलो करते हैं। हाँ, पोजीशन ले रही हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.083 इंटू 12, देखो मैं कैलसी का यूज कर सकती हूँ ऐसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है यार बच्चे फिर खुद, तुम्हारे पास कैलसी अभी नहीं है, वो एग्जाम में तो नहीं होगा ना, तो इसलिए दिखा देती हूँ कैसे करो, 2 3 6 2 8 16 1 0 0 3 8 0 0 क्या हो जाएगा 6 9 9 0 0 तो पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 0.996 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, अब ये भी आएगा इंटू 0.83, ठीक है। ये जीरो क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखना ही क्यों है, छोड़ दो ना, ये हो जाएगा 18 27 28 29 2 0 6 8 42 8 9 8 72 73 74 75 76 9 8 72 72 and 7 79 और ये 7, ये हो जाएगा 8 6 1 6 1 9 10 11 12 और ये 8, मैं जो धीरे बोल रही हूँ पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अचानक जोर से बोल रही हूँ, 1 2 3 4 5 5 डिजिट के नंबर इधर आएगा पॉइंट, यानी कि ये हो गया 0.82668 बरोबर, लेट मी चेक, 0. है कुछ अलग ही आया है इधर तो, बाबा इतना बकवास नंबर आया, मेरा ही गलत आया, एक मिनट मैंने कुछ तो गड़बड़ किया होगा शायद से, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ,
मैं उस अभी जोन में नहीं हूँ, मैं मल्टीप्लाई के जोन में बिल्कुल भी नहीं हूँ, सुबह से पढ़ा रही हूँ एंड मेरा दिमाग खराब हो गया। 0.08 ये करती हूँ, 12 × 0.083 क्या आता है, 0.996, ये बराबर आया। फिर × 0.83 × 0.83 तो बराबर तो आया है भाई, इधर क्या है, इधर प्रॉब्लम क्या है, 0 बराबर ही तो है भाई। एक मिनट, 12 × 0.083 × 0.83 बरोबर तो है। आई डोंट नो ये बुक क्या है भाई, अब तो हमारा बरोबर ही चल रहा है, बरोबर है ये। अब मैं ये मोबाइल में कर देती हूँ, ये बरोबर है। इन लोग का पता नहीं क्या आ रहा है, इन लोग का कुछ अलग ही आ रहा है। अभी इधर करते हैं, देखो पहले ये 12, एक मिनट, ये 0.083 × 0.083 ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो आ रहा है 0.006889। अब इंटू क्या करेंगे, 12 करेंगे ठीक है, और ये स्क्वायर माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया क्योंकि स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू 12 करेंगे, इंटू 12 तो ये हो गया 0.082668। ओके, सेम, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस ऑब्वियसली क्योंकि सेम ही था, पॉइंट का डिफरेंट होगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये होगा 190.82668। ओके, और इसको माइनस करोगे तो 29 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, 0.082668। ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, अच्छे से माइनस करना, माइनस वाला पार्ट मैं बता रही हूँ। ऐड तो क्या, 190 ऐड हो गया, ये देखो ये 10, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 8, तो 28.917 और ये 3, 3 और ये 2, इसका मतलब 28.917332। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखो, ये ना बहुत खिचड़ी करेगा आपको, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं 190.8, बस हुआ, छोड़ दो, और इसको कर देते हैं 28.9, बस हुआ, हम लोग अप्रोक्सीमेटली कर दिया ठीक है, 28.9। और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो एंड आंसर आ जाएगा ठीक है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पॉइंट हट जाए, और यहाँ पे ये हो गया 1908 डिवाइड बाय क्या होगा, 289 ठीक है। तो ये बी वाई एक्स की, नहीं बी वाई एक्स नहीं, बी वी यू है, बी वी यू की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर होगा, सिक्स पॉइंट फाइव सेवन ठीक है। इधर देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, डिसिप्लिन ये रहा, इधर कैलकुलेटर से देखते हैं, ये देखो 1908 डिवाइड किधर है भाई, ये रहा, डिवाइड बाय 289, तो 6.60 या 6.57 अप्रोक्सीमेटली चलता है, तो जो आ रहा है वही लिख देती हूँ, 6.6 लिख देते हैं ठीक है। आप लोग इतना डरना मत, 6.6 लिख देते हैं, डन, 6.60 मतलब 6.6 लिख देते हैं, चलोगा, ओके डन। ऐसे क्वेश्चन भाई बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले, बस एक बता देती हूँ आपको, हो गया। अब हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन वाई और एक्स, अब हुआ किधर है भाई, थैंक यू फॉर सपोर्ट तो बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग को करने तो दो। हाँ ये ऊपर आ गया, अब हम फाइंड करेंगे, हाँ लेकिन अभी हम एक एक अक्षर लिखेंगे, क्या कि हम लिखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, तो जो बी वी यू की वैल्यू है वही हमारे बी वाई एक्स की वैल्यू है, दैट इज 6.6 ठीक है। तो अभी नाउ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स इज गिवन बाय वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, तो जल्दी से सारे वैल्यूज को पुट करके फाइंड कर देना। तो वाई माइनस वाई बार कितना आया है अपना, वाई बार आया है हमारा 70.83, तो बी वाई एक्स
आया है 6.6, हम लोग 6.6 ले रहे हैं, ठीक है। एंड एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार आया है हमारा 4.92, ठीक है। अभी ये y माइनस 70.83 इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा 6.6x माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6.6 इंटू 4.92 करोगे तो आंसर आएगा, आंसर आएगा ये एक मिनट मैं ना अभी मल्टीप्लाई करती हूँ, इधर है ना अजीब तरीके से किया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, 6.6 इंटू 4.92, ठीक है, ये हो गया 32.472। तो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये उधर माइनस में गया प्लस में हो जाएगा 6.6x माइनस 32.472, और ये प्लस में है तो माइनस में, सॉरी माइनस में तो प्लस में हो गया, तो y इज इक्वल टू 6.6x माइनस प्लस माइनस होता है, तो 70 में से हम 32.472 निकाल देंगे तो 37.528 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, दिस इज द आंसर। बहुत ही बकवास सम था, सच बोल रही हूँ, मतलब दिमाग खराब कर दिया इसने, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सम, ऐसा कौन बनाता है भाई सम, ऐसे नहीं बनाते कोई सम, बकवास सम, दिमाग खराब कर दिया एकदम। बच्चे लोग ऐसे क्या, उनके पास क्या जीवन में एक ही सम आने वाला है, जैसे बोलते उनको लगता है कि उनके जीवन में एक सम होगा तो वो करेंगे। एक मिनट, 70.83 है ना, मैंने उधर 70 लेके गई, देखो इतना घाई में 70.83 है, ये प्लस में है ना तो ये माइनस में हो जाएगा 70.83, तो मतलब माइनस ही गलत किया, मेरे को बिल्कुल भी ये सम पसंद नहीं आया, और तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, आई होप कि ऐसा आंसर ना आए, मतलब ऐसा सम ना आए। 70.83 माइनस 32.472 प्लस 38.358, बस हुआ अभी, ये एक्सरसाइज जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है, ये हो गया हमारा आंसर, डन, इससे ज्यादा अभी और कुछ नहीं, ठीक है, 38, हाँ मतलब राइट है, इसको अप्रोक्सीमेटली 38.36 लिख दो अप्रोक्सीमेट, ये करेंगे बच्चे लोग पागल हो जाएंगे, ये हमने अच्छे से सारे सम किए हैं। आई नो आप लोग को लग रहा होगा कि क्या है मिस ये, बट आप टेंशन मत लो, इसको ज्यादा किचकिच मत लेना, लोड मत लेना, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इतने टफ कौन देगा यार, बच्चे लोग को क्या एक ही सम करना है क्या, बहुत बाकी है सम, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ज्यादातर तो मैंने मोबाइल ही यूज किया उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट देख लो टाइम ऑलरेडी